नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिता खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा। सरकार ने नकल विरोधी कानून के तहत किए प्रावधान। सरकार का दावा, युवाओं के हित में हर कदम। सीएम धामी का बयान, मोटे अनाज की पैदावार पर करे फोकस। सहकारिता विभाग की बैठक में अधिकारियों के साथ कई अहम मसलों पर किया मंथन। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच फिर तनातनी की आहट। सतपाल महाराज बोले, बिना सूचना दिए अधिकारी ले रहे फैसला, कैबिनेट में उठाएंगे मसला। और जोशीमठ में प्रभावितों का विस्थापन सरकार के लिए चुनौती। आपदा सचिव का बयान, पुनर्वास में हो रहा विलंब। केंद्र की अध्ययन रिपोर्ट का भी इंतजार। एजेंसियों ने एनडीएमए को सौंपी है रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सीएम धामी ने विभाग के कई कार्यों पर चर्चा की। बैठक पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में अहम योगदान देता है। इस लिहाज से विभाग के कार्यों को जांचना भी जरूरी है, ताकि उन्हें बेहतर करने के लिए मंथन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए, साथ ही राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्लस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान दिया जाए, साथ ही पर्वतीय जनपदों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर, लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं, उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्ती धांधली को लेकर सख्त रवैया दिखाया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। जहां जहां पर भी भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी जगह जहां भी गड़बड़ियां होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचों उपरांत होंगी। जांच में जहां भी आएगा, हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से, प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं, वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाए, और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएँ निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों, और किसी बिना गड़बड़ी के हों। वहीं अब अगर राज्य में किसी ने प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई या फैलाई, तो उसके खिलाफ में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। जी हां, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राज्य की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने कहा कि UKPSC पेपर लीक की जांच SIT कर रही है, वहीं UKSSSC की जांच STF के पास सौंपी गई है। सरकार हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में मॉनिटरिंग कर रही है और जांच की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए तैयारी की जा चुकी है। ये जो कानून है, ये बहुत इसमें स्पष्ट है। अगर नकल विरोधी कानून का आप अगर उसका नाम भी अगर आप देखेंगे, तो इसका जो 11 फरवरी से लागू हो गया है, 11 फरवरी 2023 से उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा, फिर ब्रैकेट में है, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023,
तो ये कानून ही बना है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने का। प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराज है। सतपाल महाराज ने कहा कि मंत्रियों को जानकारी दिए बिना अधिकारी फैसले ले रहे हैं। सतपाल महाराज ने अधिकारियों से इतने नाराज हैं कि उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी उठाएंगे। नहीं, मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया, पर चलिए अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है, अब कल कैबिनेट है उसके अंदर इस बात को रखेंगे हम लोग। जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके चलते आपदा प्रभावित परिवारों की मुश्किलें थमने का नाम भी नहीं ले रही हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि जिस गति से विस्थापन प्रक्रिया होनी चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया है। आपदा सचिव ने बताया कि जोशीमठ में जमीन धंसने पर अध्ययन कर रही 8 केंद्रीय एजेंसियों के NDMA को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, और जिसके चलते NDMA की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार विस्थापन को लेकर निर्णय ले सकती है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा जोशीमठ के पुनर्वास पर भी होगी। बैठक हुई थी, उसपे डिफरेंट विषयों पर चर्चा हुई और उन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया कि क्या तकनीकी संस्थाओं ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का उन्होंने प्रस्तावित किया। अब हमें चाहिए कितनी फैमिली को, कितने एरिया को इस तरह से हमें विस्थापित किया जाना, वो नंबर और क्षेत्रफल वो एक क्लियर कट हमें रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हम राहत पैकेज का एक प्रस्ताव बनाएंगे। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगाए गए आरोप पर मुख्यमंत्री धामी ने कोई टिप्पणी देना जरूरी नहीं समझा। आपको बताएं तो हरक सिंह रावत ने समूची बीजेपी सरकार पर सवालिया निशाना लगाया है। साथ ही आपको समझाते हैं कि आखिर इतने बड़े सवाल पर CM धामी ने क्यों कहा नो कमेंट्स। पहले आप CM धामी का बयान सुन लीजिए, अब आपको हरक सिंह रावत का भी बयान सुनाते हैं, फिर इन दोनों बयानों की पटकथा समझाते हैं। देखिए, उस पर चूंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है, उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज्यादा वो नहीं समझता। मैंने कहा कि उनके क्या गलती है, जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना, मैं पहले कह रहा हूं हर आदमी कोशिश करता है, उन्होंने कोशिश की वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी, लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया उसको तो दी नहीं आपने सजा। हरक सिंह रावत के बयान से साफ जाहिर है कि हरक विधानसभा बैकडोर के असल आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। हरक ने अपने इस बयान से जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा, वहीं सरकार के नुमाइंदों पर भी सवाल या निशान छोड़ा है। ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस बैकडोर भर्ती मामला और विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में मुखर हुई हो। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता हल्ला बोल करते नजर आए हैं। अब हरक ने कर्मचारियों की रोजी रोटी का मसला उठाया और निशाने पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ आधी सरकार को ले लिया, जिसके जवाब में भाजपा से खामोशी मिली और CM धामी ने भी हरक सिंह रावत के सरकार पर लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर जवाब देकर पूर्ण विराम लगाना जरूरी नहीं समझा। जिसे साफ है कि आने वाले दिनों में हरक इस मुद्दे को और भुनाएंगे, साथ ही लोकसभा के लिए अपने चुनावी रण को भी तैयार करेंगे, क्योंकि भाजपा से निष्कासित कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लिए मौजूदा समय में राजनीति में वापस आने का द्वार लोकसभा चुनाव है। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
कई मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरक सिंह रावत पर जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने हरक सिंह रावत पर भाजपा से निष्कासित होने का तंज कस दिया। जोशी ने कहा कि हरक खुद को कभी गढ़वाल का शेर कहते थे, लेकिन आज शेर की हालत क्या है सबके सामने है। दरअसल साल 2021 में विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों में कई मंत्रियों के पीआरओ को भी नियुक्त किया गया। अब हरक सिंह रावत ने बैकडोर भर्ती में लेन देन का भी आरोप लगाया। इस बयान के बाद इस मुद्दे पर तंजकसी का दौर शुरू हो गया। हरक सिंह जी में कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पांचवें दिन भी प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पुलिस मुख्यालय कूच पर निकले, लेकिन पुलिस मुख्यालय तक नहीं पहुंच सके। लाठीचार्ज के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी जेल में बंद बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष के साथ ही अन्य साथियों को बिना शर्त के रिहा करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के जरिए सरकार पर मुखर कांग्रेस अब हर जिले और ब्लॉक में लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि भर्ती घोटाले में कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो अमानवी और असंवेदनशील हो चुकी है। उनके उन्हें क्या मालूम नौजवानों का क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, उन्हें एहसास नहीं है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि नौजवान बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित होना और सरकार से अपने न्याय की गुहार लगाना, ये साबित करता है कि नौजवानों के भी सब्र का बांध टूटने जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिले के जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक में कई विधानसभा क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए। दीपक रावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भीमताल और नैनीताल विधानसभा में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, जिनका रिव्यू किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो और जाम के झाम से लोगों को निजात मिले, पर्यटकों और राहगीरों को निजात मिले, के लिए भी प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए भी रिलीज किए गए हैं, जिससे कि पुलिस विभाग यातायात सुचारू करने के लिए जैसी व्यवस्था चाहे लोक निर्माण विभाग से वैसी व्यवस्था बना दे। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनके ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलम्ब किया है उसके लिए मैंने सीडीओ नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलंब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलंब जायज़ था, और गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है। और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए लेकिन मौके पर अभी शुरू नहीं हुआ है। राजधानी देहरादून में बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कचहरी में मंगलवार सुबह से नामांकन चला। उम्मीदवार 15 फरवरी यानी बुधवार को अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि बार एसोसिएशन के लिए 27 फरवरी की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस बार एसोसिएशन के चुनाव का रिजल्ट मतदान के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को आएगा। वहीं बार एसोसिएशन में लगातार अध्यक्ष रहे मनमोहन कंडवाल ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया है। देखिए, आज हमारे यहाँ जो वार्षिक चुनाव होने हैं, हमारे यहाँ आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कल नामांकन में जिसने अपना नाम वापस लेना है वो वापस ले सकता है। और 27 तारीख को हमारे यहाँ मतगणना मतदान होगा और 28 तारीख को मतगणना होगी। वो अभी भीड़ भाड़ का मुख्य कारण ये था कि मेरे द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उस क्योंकि मेरा एक अपना विचार था, सोच थी, मैंने कहा यार मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जैसे ही ये बात अधिवक्ताओं तक पहुँची कि वर्तमान अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल जो 9 बार के अध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो अधिवक्ताओं ने मेरा घेराव शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा जी आप क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप पे क्या ऐसी बात होगी कि आप जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
और आप तो जीते हुए हैं, आपको तो जाने की भी जरूरत नहीं कहीं, आपके पास अगर पैसे नहीं है या कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, हम लगाएंगे उन पैसों को। राजधानी देहरादून में 9 फरवरी को हुए प्रदर्शन के दौरान पथराव के मामले को लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन अख्तियार कर लिया है। पथराव करने वाले युवाओं की पहचान के लिए देहरादून पुलिस ने एक नंबर जारी किया है। नंबर आपको बताएं तो 9997233033 नंबर पर अपील की गई है कि पथराव करने वाले युवाओं की पहचान बताने वालों के नाम को गोपनीय रखा जाएगा, साथ ही उनके पते को भी गोपनीय रखा जाएगा। देहरादून पुलिस ने युवाओं की फोटो भी जारी की है। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं, इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठन ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें, जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधि कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून में शहीद स्थल पर अपने साथियों की रिहाई के लिए कई युवा भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पांचवें दिन भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने शहीद स्थल पर धरना दे रहे इन युवाओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन पर भी मुकदमा दर्ज किया है। बावजूद इसके युवा कह रहे हैं कि वो दर्ज मुकदमे से नहीं डरते, वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे। देखिए, मुकदमा तब दर्ज किया जाता है अगर हम उसके खिलाफ में कुछ कर रहे हैं या हम उनका विरोध कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं तो तुम लोग काहे का मुकदमा दर्ज कर रहे हो हम पे? अगर हम शांति से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं तो तुम किस चीज़ का मुकदमा कर रहे हो? या तो सरकार इस चीज़ से डर रही है कि कहीं हमारे जितने भी घपलेबाजी हुई है वो बाहर ना आ जाए, इस चीज से डर रहे हो तो आप वो बता दीजिए। वहीं लोहाघाट में भी युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने साथियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आयोग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। युवा SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे सभी युवाओं को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन में युवाओं ने सरकारी भर्ती घोटाले पर कई आरोप लगाए, साथ ही धरना स्थल पर भारी पुलिस देखने को मिला। ये लास्ट जो सरकार ने SDF की जांच करवाई है, हम युवा लोग उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें हाकिम सिंह जैसे लोगों को भी बेल बन चुकी है। और जो है हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप जो है भर्तियों की CBI जांच करा दीजिए। और दूसरी हमारी मांग यह है कि भाई आप जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार और जो अन्य बाहर लोग हैं उन पे लगी जो धारा है उनको हटाइए और उनको जो है आप जो है रिहा करिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तहसील लोहागढ़ शाखा के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की आज लिखित में हमको सूचना दी गई थी, जिसके क्रम में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें कि पर्याप्त संख्या में हमारे पुरुष और महिला कार्मिक हैं। साथ ही SO को भी अलर्ट पोजिशन में रखा गया है और तहसीलदार को भी निर्देशित कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के रूप में वो तैनात रहेंगे। कुमाऊं मंडल के राजस्व क्षेत्र में 3 थाना और 8 चौकियों का शुभारंभ किया गया, लेकिन इन थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों में विश्वसनीयता पैदा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लिहाजा IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि पुलिस राजस्व क्षेत्र में भी हर तरह के जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही नशे के खिलाफ जागरूक अभियान जैसी कई गतिविधियां शामिल होगी, जिससे कि स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। एक ये बहुत बड़ी पहल जो है उत्तराखंड राज्य में हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो है कल पूरे राज्य में जो है राजस्व क्षेत्र में थाना चौकियों का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि कुल 6 थाने पूरे राज्य में उद्घाटन हुए हैं और 20 चौकियों का कल शुभारंभ हुआ है राजस्व क्षेत्र में। तो एक नई व्यवस्था जो है, जो माना जाए कि 100-200 साल पुरानी व्यवस्था से जो है राजस्व से जो है पुलिस से रेगुलर पुलिस में आए हैं। कुमाऊं मंडल में 3 थाने और 8 चौकियां जो है राजस्व क्षेत्र से रेगुलर पुलिस को आई है।
शासन ने नगर निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें निर्धारित की जा सके। इसके लिए जनपद में 18 जोनल अधिकारी बनाए गए हैं। वहीं नोडल अधिकारी के मिश्रा का कहना है कि सर्वे कार्य को तय समय पर पूरा किया जाएगा। 100 वार्ड के लिए 10 अधिकारियों को तैनात किया गया है। ओबीसी सर्वे हेतु अपर मुख्य सचिव साहब के आदेश हुए हैं जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें अधोस्ताक्षरी को मतलब मुझको नोडल बनाया गया है और इसमें जो कुछ जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको जोनल अफसर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। तो इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सारे एसडीएम्स को और सभी नगरीय निकाय के जो मुखिया हैं नगर आयुक्त से लेके अधिशासी अधिकारी तक उनको निर्देशित किया गया है। सारे एसडीएम अपने क्षेत्रांतर्गत सारे नगरीय निकाय उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और वो प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्ति करेंगे। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इस दौरान मेयर ने विकास कार्य भी गिनाया। उन्होंने बताया कि सभी वार्ड में लगभग 2 किलोमीटर हॉटमिक्स रोड बनाई गई है। नाली निकासी के लिए भी अभियान चलाया गया है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। चुनाव जीत के आया था तो उसके बाद में मैंने अपनी जनता से ये कहा था कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र सामान्य तौर पर जो बढ़ता है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। मैंने कहा था मेरा चुनावी घोषणा पत्र आप संभाल के रखिए, अगली बार मैं अपने लिए या किसी के लिए भी जो पार्टी से टिकट देती है मैं उसके लिए जब भी मैदान में आऊँ तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा कि इन वादों का क्या हुआ है। और मैंने आज तक अपना चुनावी घोषणा पत्र अपनी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो कुर्सी है जिस पर मैं बैठा नहीं हूँ अभी तक उस पर मैंने रखा हुआ है और मैं इसको डेली पढ़ता हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैंने इस जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है लगभग 80-85% मैंने पूरा कर लिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा। सरकार ने नकल विरोधी कानून के तहत किए प्रावधान, सरकार का दावा युवाओं के हित में हर कदम। सीएम धामी का बयान, मोटे अनाज की पैदावार पर करे फोकस, सहकारिता विभाग की बैठक में अधिकारियों के साथ कई अहम मसलों पर किया मंथन। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच फिर तनातनी की आहट, सतपाल महाराज बोले बिना सूचना दिए अधिकारी ले रहे फैसला, कैबिनेट में उठाएंगे मसला। और जोशीमठ में प्रभावितों का विस्थापन सरकार के लिए चुनौती, आपदा सचिव का बयान, पुनर्वास में हो रहा विलंब, केंद्र की अध्ययन रिपोर्ट का भी इंतजार, एजेंसियों ने एनडीएमए को सौंपी है रिपोर्ट।